पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मंगलवार को मुरादाबाद जनपद के कलेक्ट्रेट स्थित आईएमए हॉल में हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और वेस्ट यूपी प्रभारी प्रदीप नरवाल, वेस्ट यूपी के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी, कांग्रेस यूपी के महासचिव संजीव शर्मा कार्यक्रम में पहुंचे थे। हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यकर्ता सम्मेलन को मुख्य अतिथियों ने संबोधित किया और इसके बाद कचहरी से तहसील स्कूल तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली। मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और वेस्ट यूपी प्रभारी प्रदीप नरवाल ने कहा कि इस यात्रा के बाद कांग्रेस में फिर से नई ऊर्जा आई है। इस यात्रा के बाद हमारे सारे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा है। सारे कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं, खासकर आप हिमाचल के रिजल्ट देखिए, पूरा प्रदेश हम जीत गए। जहां एक ओर बंगाल में कांग्रेस का क्लीन स्वीप हो गया था, तो वही उपचुनाव में बंगाल में हम जीते हैं। जनता का विश्वास कांग्रेस में बढ़ा है और कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराएगी। फिर से नई ऊर्जा आई है इस यात्रा के बाद। हमारे सारे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा है, सब लोग लड़ना चाह रहे हैं, सब लोग इस और खासकर हिमाचल के रिजल्ट आप देखिए, पूरा प्रदेश हम जीत गए। जहां पे बाई इलेक्शन था पिछले इलेक्शन के अंदर बंगाल के अंदर, हमारी पार्टी क्लीन स्वीप हो गई थी कहने के लिए, तो पर वहां बाई इलेक्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी जीत के आई। तो कहीं ना कहीं फिर से जनता का विश्वास यूपी में माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में, रिजाल खाबर जी के नेतृत्व में, सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर से वापसी करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मुरादाबाद से इस वापसी आगाज हो चुका है, हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और इस बार ये सीट भी पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा यूपी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और अखिलेश जी का जो ताश का महल है, वो ताश का महल गिर चुका है। वो कहते हैं ना, किराए की राजनीति बहुत दिन नहीं होती है, वो किराए के दिन खत्म हो गए हैं। लेकिन टीएमसी फिर भी समाजवादी ठीक है, कौन ममता बनर्जी तो लाइक वहाँ करी थी। ममता बनर्जी का भी बाई इलेक्शन हुआ तो था, कांग्रेस पार्टी जीत गई उनके गढ़ में 35 साल बाद, और सीट टीएमसी की सीट थी। बस कांग्रेस तो मजबूत कर रही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।